भगत उगे तो साहस जागा। भगत सिंह जी ने मुझे समझाया कारण बुराई का और उसे मिटाने के लिए दिए मुझे 5 पंच प्यारे। उन पंच प्यारों को आप भी अपने जीवन में उतार लें। ये हैं विश्वास, व्यायाम, प्रेम, निष्ठा, कर्म और भाईचारा। मेरी और भगत सिंह की मुलाकात का नतीजा ये हुआ कि मैं भगत भयो। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे बलिदानम, वंदे साहसम, वंदे मातृभूमि। वंदे मातरम, शहीद आजम भगत सिंह कुछ ऐसा अनूठा लिख गए जो दिल में समा गया और दिमाग को हिला गया। कल भी, आज भी और आने वाले कल में भी। शहीद आजम भगत सिंह ने लिखा है कि बुराई इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरे लोग बढ़ गए, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ती है क्योंकि बुराई सहने वाले लोग बढ़ गए हैं। झांकी झांकी अपने अंदर, अपने बाहर के अखबारों में, टीवी चैनल्स में, सरकारी कार्यालयों में, स्कूलों में, अस्पतालों में, रेस्टोरेंट्स में, झांकी हर तरफ। कितना बुरा चल रहा है। हम देखकर भी अनदेखा करते हैं। क्यों? कचरा फेंकने वाले को हम रोकते हैं, हेलमेट ना लगाने वाले को हम कहते हैं कि हेलमेट लगाओ, सड़क के किनारे खड़े होकर नंबर 1 और सुबह सुबह गलियों के बाहर नंबर 2 करते हुए लोगों को खुले में बैठे देखते हैं, चाहे वो बच्चे हों छोटे। क्या हमने कभी रोका, कभी विरोध किया? या छोड़िए विरोध को, क्या हमने कभी समझाने की कोशिश की? नफरत की मंडियां सरेआम आम लोगों के दिलों दिमाग में, रूह में नफरत के इंजेक्शंस लगा रहे हैं। क्या हमने कभी विरोध करने की कोशिश की? कोई कभी हमारे सामने किसी के धर्म की बुराई करे, किसी की जाति की, किसी की भाषा की बुराई करे, क्या हमने कभी उसका विरोध किया? नहीं। यही भगत सिंह ने कहा, यही मुझे समझाया और मुझे कहा, तू अब वेद भगत सिंह है, विरोध करना सीख। बुराई होते देखे तो आंखें बंद मत कर, कान बंद मत कर, दिमाग बंद मत कर, मुंह बंद मत कर। प्यार से ही सही समझा, न्याय से ही सही समझा, सामाजिकता से ही सही समझा। और मैं भगत हो गया, वेद भगत सिंह। मुझे मालूम है आप में विरोध करने की क्षमता है, सिर्फ आपको एक सहारे की जरूरत है। मेरा सहयोग है आपको। वंदे मातृभूमि, भारत माता की जय।